तुम बात बात पर इतना झूठ क्यों बोलती हो? लो, मैंने अब क्या कह दिया? ये अम्मी और आपा से क्या कहनी थी तुम? ये सूट चाची ने दिलाया। शुक्र करें आपकी जान बचा ली, वरना अभी बैठे हुए पेशे भुगत रहे होते। लेकिन झूठ बोलने का भी तो कोई फायदा नहीं है। अरे जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो क्या, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो मुझे ये सूट ट्राई करने दे, ये कलर भी मेरा फेवरेट है। सो काशिया भाभी बहुत चालाक है, एक तो ऊपर झूठ बोलती है और परों पर पानी पड़ने भी नहीं देती। और तुम्हें किसने कहा था उसे दुपट्टे का कहने की? पापा वो जा रही थी तो मैं सोचा उठा लाएंगी और उसने सारा मुद्दा तुम पर डाल दिया। बस अब कोई जरूरत नहीं दोबारा उसकी बातों में आने की। जाकर देखो ना, मैं जाऊं क्या? जी जा रही हूं। भवनक। हेलो, कौन? फोन क्यों नहीं उठा रही मेरी जान? रॉन्ग नंबर। अब बता भी दो किसका फोन है। आपका कोई रॉन्ग नंबर था? बिलाल के मामले में मेरा दिल कभी गलत नहीं कहता। बिलाल तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, इसी वजह से तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे ससुराल में कोई गड़बड़ चल रही है। हाँ तो इसमें गलत बात क्या है? तुम फालतू में परेशान हो रही हो। तुम्हें तो पता है बिलाल की आदत का, अपनी अम्मी और आपा के सामने उसके हलक से आवाज तक नहीं निकलती, इसीलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा होगा। घर में ना सही, लेकिन बंदा ऑफिस जाकर तो बात कर सकता है, तो वहां भी बात नहीं करते। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या? तुमने एक गलत आदमी से मोहब्बत कर ली है। तुम ना जाने क्यों उससे इतनी उम्मीदें लगाकर बैठ गई हो। मायरा प्लीज ऐसा मत करो, तुम हर्ट होगी। अब कसर ही क्या रह गई है? तुम्हें पता है जब बिलाल मेरी कॉल अटेंड नहीं करते, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, तो मुझे कितना दुख होता है। अंदाजा है मुझे, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं बिलाल के ऑफिस जाकर उससे बात करूं। कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम मेरे लिए उसके आगे खुशियों की भीख मांगोगे? नहीं, जब बिलाल को मेरा एहसास नहीं है तो फिर मैं क्यों खुद को उनके आगे गिराऊं? ये सब पोस्टर्स तो बॉयज के हैं ना? तो क्या हुआ? अगर अल्लाह ने इस बार भी हमें बेटी दी तो? नहीं, इस दफा इंशाल्लाह अल्लाह बेटा ही देगा। आपको कैसे पता? मेरे दिल ने कहा। वो गलत भी तो कह सकता है। मेरा दिल तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं हो सकता शिजा। आपको बेटे क्या बहुत अच्छे लगते हैं? हाँ, किसे अच्छे नहीं लगते? खामोश क्यों होंगे? सोच रही हूँ कि पिछली बार आपने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार तो नहीं किया था। यार लास्ट टाइम हमारी कोई औलाद नहीं थी। सोचता हूँ अगर उस दफा भी बेटे की दुआ की होती तो कितना अच्छा होता। कितना नाशुकरा होता है ना इंसान, पहले औलाद ना होने का वावेला मचाता है और फिर जब अल्लाह नवाज दे तो बेटा और बेटी की ख्वाहिश में उलझ जाता है। चली आ रही हूँ अंदर, किसी घर में घुसने की तमीज नहीं है क्या? आए है, मुंह संभाल के बात कर लड़की। चलो संभाल लिया मुंह, अब जरा मुंह से फूटो, क्यों हमारे घर में घुसी चली आ रही हो? है हमारा? अरे ये घर तुम्हारा कब से हो गया, कहाँ से उगी हो तुम? मैं तो कहीं से भी उगी हूँ, ये बताओ तुम कहाँ से टपकी हो? आए है, मैं जरमीना की चचाजाद बहन और बिलाल की खाला हूँ, समझी? तो मैं भी जरमीना की बहू और बिलाल की बीवी हूँ। बिलाल की बीवी? वो तो मैं की बीवी है आजकल। तभी तो मैं यहाँ हूँ आजकल। हाय, बिलाल ने शादी कर ली, बताया भी नहीं। एले, इसमें सदमे की क्या बात है भला? कोई एतराज है आपको? नहीं ना, चलो अंदर सफाई करने दो मुझे। आय है, कितनी पटाखा लड़की है, बदतमीज, बात करने की भी तमीज नहीं है बड़ों से। और जरमीना भी कैसी सियानी है कि इस किस्म की लड़की को ब्याह के लेकर आ गई है। तोबा तोबा। चलो खाला, गलतियाँ तो इंसान से ही होती है ना। चाय पियो ननी खाला? मुझे नहीं पीनी चाय, वाय छोड़ो।
जरमीना, जब तुमने उसकी शादी कर दी थी तो छुपाया क्यों? लग रहा है कि बिलाल लड़की को भगा के लाया है, शादी नहीं की। अल्लाह ना करे नन्नी, कैसी बातें कर रही हो? अपने हाथों से ब्याह कर लाई हूँ मैं। अरे तो दूसरी शादी करने की जरूरत क्या थी? अरे बिलाल की औलाद के लिए कड़वा घूंट भरा है मैंने, वरना दिल कहाँ मान रहा था मेरा। और अगर इससे भी खुशखबरी सुनने का मौका नहीं मिला तो क्या कर लोगी? फिर शादी करोगी क्या? नहीं, तौबा तौबा, कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो, अल्लाह ना करे। अरे बगैर औलाद के ये आलम है कि तुम लोगों के सीने पे मूंग दल रही है? दो चार बच्चे हो गए ना तो चीर फाड़ के रख देगी तुम लोगों को, देख लेना। रहने दो ना नन्नी खाला, छोटी सी मासूम सी तो ये बच्ची, अब उसकी बात को दिल पे थोड़ी लेते। हाँ, बहुत नन्नी बच्ची है, देख लिया मैंने उसका नन्नापन, मुझ जैसी बड़ी औरत की कितनी इज्जत की है उसने। मैं तो चली। कहाँ जा रही हो? अभी तो सिर्फ चाय बिस्किट ही है, खाना खा के जाना ना। अरे तुम्हारी बहू ने इतनी बातें सुना दी कि पेट भर गया मेरा, कुछ खाने की जरूरत नहीं है मुझे, समझी? सुनो नन्नी, देखो तुम मेरी बहनों की तरह हो, खानदान में ना बिलाल की दूसरी शादी का ना जिक्र मत करना। मैं क्या कह रही हूँ समझ रही हो ना? सब समझ रही हूँ। जब शादी करके लाई हो ना तो डंके की चोट पे सबको बता दो। अरे मैं नहीं बताऊंगी तो तुम्हारी बहू बता देगी, तुमने क्या समझा है, वो जमाने को बताएगी। मुझे कह रही है कि मैं सबको बता देती हूँ। अरे मैं क्या बताऊंगी, तुम्हारी बहू ऐसी है जो सबको बता देगी। ऐलान समझो, तैयार हो जाओ अम्मी। हाय हाय हाय, गजब हो गया। हाय हाय हाय, क्या है, दरवाजा तो बंद करने। अरे तुम्हें क्या पता कुर्बे कयामत की निशानी है? क्या हुआ नन्नी खाला, इतनी परेशान क्यों है? हाय बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है, फिर गिला मत करना। क्या हुआ है नन्नी, खैरियत तो है ना? हाय हाय, खैरियत ही तो नहीं है भाभी। अरे सईद भाई को बुलाओ, खानदान की पंचायत बुलाओ, बहुत बुरा हुआ है तुम लोगों के साथ, गजब खुदा का, कयामत टूट पड़ी तुम लोगों के ऊपर। नन्नी खाला बात तो बताए, हुआ क्या है? हाय बेटी, तुम्हारे ससुराल से आ रही हूँ अभी मैं। क्या मायरा की सास ने कुछ कह दिया? हाय हाय, कह नहीं दिया, करके दिखा दिया है। क्या करके दिखा दिया? क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? बिलाल की दूसरी शादी करती है चलते पुर्जे से। क्या? हाँ जर्मीना, आप अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करे, ऐसी सास अल्लाह किसी को भी न दे। हाय जर्मीना, क्या कर दिया तुमने मेरी बच्ची के साथ? क्या बकवास की है तुमने नन्नी खाला के साथ? कौन नन्नी खाला? कितने लोग आए सुबह से घर में? अरे वो नन्नी खाला, वो कहाँ से आपको नन्नी दिखती है? अच्छी खासी खुर्राट और बदतमीज किस्म की औरत है वो। आते ही थानेदार की तरह मेरा इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। और तुमने दिखा दी अपनी औकात। मेरे साथ ना तमीज से बात किया करें, यहाँ मैं बदतमीजों को उनके घर तक छोड़ के आती हूँ। क्या करोगी तुम? तताशी अब कहती नहीं, करके दिखाती। मजा आएगा काफी, लगता है इन्हें करके दिखाना ही पड़ेगा, तभी इन्हें पता चलेगा आटे और दाल का भाव। तो शुरू से रिश्ते के खिलाफ थी। खाला जान, ये क्या हो रहा है? ये मायरा क्यों रो रही है? अरे जाके मायरा को संभालो, बहुत बुरा हाल हो रहा है उसका। जी मायरा, दरवाजा खोलो। मुझे किसी से बात नहीं करनी। मायरा मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा, खुदा के लिए रोना बंद करो। मैंने कहा ना मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मुझे तनह छोड़ दो। खाला देखे ना, मायरा दरवाजा नहीं खोल रही। वो नहीं खोलेगी बेटा, बहुत डिप्रेस्ड है। बिलाल ने बहुत बुरा किया मेरी बच्ची के साथ। खाला जान कम अज कम आप तो हौसला रखें। करूं बेटा, यह इसकी यह हालत है, वहां तुम्हारे खालू अपना दिल पकड़े बैठे और मेरा जी बहुत घबरा रहा है। खाला जान आप ऐसा करें, खालू को हौसला दिलाएं, मैं जाकर घर से अम्मी को लेकर आता हूं, अल्लाह बेहतर करेगा। दिमाग खराब कर रही हो, अब क्या मसला हो गया? जिन बीवियों के शौहर आपकी तरह बुजदिल होते ना, जो माँ बहनों की गुलामियाँ करते रहते हैं, उनकी नजरों में रोना ही लिखा होता है, जो कि मैं भी रो रही हूँ। तो सुना तो दिया था तुमने भी आपा को। क्या खास सुनाई थी? सारी जिंदगी मैं ही लड़ती रहूंगी, आप नहीं लड़ेंगे कभी अकेले। देखो भाई, ये मेरे बस का काम नहीं है,
और इसी वजह से मारा भी मुझसे खफा रहती थी। तो फिर एक काम करें, तीसरी शादी के लिए तैयार हो जाएं आप, बल्कि शादी के लिए भी हो जाएं। ये क्या बकवास कर रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। जब आपकी अम्मी को अपनी सगी भतीजी का घर पर बात करते हुए जरा शर्म नहीं आई तो मेरा क्या खाक ख्याल करेंगी वो? मैं तो फिर भी गैर हूँ। ऐसा नहीं है यार। ऐसी ही बात है, आपकी माँ को ना गूंगी बहरी बहू चाहिए थी जो दिन रात उनके और उनकी बेटियों की खिदमतें करती रहे, बच्चे पैदा करती रहे। भाई मुझसे तो ये सब काम नहीं होंगे। मैं करूंगा उनसे बात। हाँ ठीक है, आप बात करेंगे, फिर वो जरा सा घूर के देखेंगे और आपके गुब्बारे में सारी हवा निकल जाएगी। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये अपने अंदर थोड़ी तो हिम्मत पैदा करें। कब तक इन माँ बेटियों के हाथ बेवकूफ बनते रहेंगे? कुछ तो लड़े अपने हक के लिए और मेरे लिए। अच्छा मैं बात करके आता हूँ। हाँ जाएं, कब तक यूं खामोश रहेंगे? कुछ तो लड़े ना, जाएं बात तो करें। जिंदगी अजीरन कर रखी इन माँ बेटियों ने, ऊपर से ये भी कुछ नहीं बोलते। बिलाल, क्यों तुमने ऐसा किया? क्यों तुमने मुझे रास्ते में तन्हा छोड़ दिया? आखिर क्यों? खुदा गारत करे उन्हें, मेरे फूल से बच्ची का घर बर्बाद कर दिया। मैं सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा उन्हें। अरे मैं तो झोलियां फैला फैला के उनको बद्दुआएं दूंगी। बेड़ा घर कौन का, सुकून का एक सांस भी मैसर ना आए। क्या हाल है मायरा का? क्या हाल होगा उसका, रो रो के बुरा हाल कर लिया है, तब से कमरा बंद किए बैठी है। तुमने समझाना था ना उसे? क्या समझाऊ मैं उसे? बिलाल की इस हरकत की वजह से सारी दुनिया के मर्दों पर से उसका एतबार खत्म हो गया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे मुझे जमीना के यहाँ अपनी बेटी की शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। उस वक्त तो आप बहन और भांजे की मोहब्बत का भूत सवार था। अरे मुझे क्या पता था कि वो गैरों का सलूक करेंगी मेरी बच्ची के साथ। अरे अपने जब गैर बन जाते हैं ना तो लिहाज की सारी दीवारें एकदम ही गिरा देते। सही कहा तुमने, बिल्कुल ठीक। दिमाग तो ठीक है तेरा बिलाल, कैसी बैकी बैकी बातें कर रहा है? अम्मी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हिना पास से कहीं कि घर का माहौल खराब ना करें। क्या 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 क्या? मैं घर का माहौल खराब कर रही हूँ? और तुम्हारी बीवी, उसने जो नन्ही खाला की बेइज्जती की तुम्हें, वो दिखाई नहीं दे रही? तो नन्ही खाला कौन सा काम है? आधी सरताशिया पर शुरू हो गई। ओहो, हमदर्दी तो देखें, एक तो पंगा भी लेती है, फिर मियां को भी भड़काती है, और फिर हमारे सामने लाकर खड़ा भी कर देती है। उसने मुझे नहीं भड़काया। बस बस ज्यादा सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं, सब पता है हमें। अरे भाई हमारे से ही गलती होगी जो तुम्हारी दूसरी शादी करवा बैठे, अब इसकी ज्यादा सजा मत दो हमें। अम्मी प्लीज सुकून का सांस लेने दे मुझे, उधर वो धमकियां दे रही है कि घर छोड़ के चली जाएगी। ओह चाहती है तो जाए, लड़कियों की कमी नहीं है, हम तुम्हारी तीसरी शादी कराएंगे। अब घर में बीवियों का एतवार बाजार लगाऊंगा मैं, है ना? अब ऐसे भी शहजादा गुलफाम नहीं कि लोग धड़ाधड़ तुम्हें अपनी बेटियां देंगे कि जाओ और एतवार बाजार लगाओ। शर्म आनी चाहिए थी आपको ऐसी हरकत करते हुए। अरे आखिर मैंने ऐसा दुनिया से कौन सा अलग काम कर दिया जो दोनों मियां बीवी पहुंच के लड़ने के लिए? जब हिना के शौहर ने दूसरी शादी की थी तो फिर क्यों पहुंच गई थी आप वहां पर? मगर उसने मेरी बेटी के साथ ज्यादती की थी और उस ज्यादती का बदला आपने अपनी सगी भतीजी से ले लिया। अरे मगर मैंने तो बिलाल की दूसरी शादी सिर्फ उसकी औलाद के लिए की है। शाहिद ने भी तो दूसरी शादी औलाद ही के लिए की थी, आप ये क्यों भूल जाती हैं? मगर उस खबीस की तरह तलाक तो नहीं ना दी मायरा को? वो तो हम ले ही लेंगे कोर्ट से। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। बहरहाल आज से हमारा आपका वास्ता खत्म, सब जीना मरना खत्म। मैं यही समझूंगा कि एक ही बहन थी मेरी, मर गई मेरे लिए। चलिए आलिया बेगम। अरे रुके तो सही, ऐसे कैसे जा रहे हैं आप लोग, रुके तो सही। पहली फुर्सत में मायरा को तलाक भिजवा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
सारा को हरगिज तलाक नहीं दूंगा। ना तो कोर्ट से ले लेगी। मैं तब भी नहीं दूंगा। देख लो भाई, तुम्हारे मियाँ को पहली बीवी से मोहब्बत तब भी है तो क्या हुआ, आखिर बीवी है इनकी। मैं तो कुछ ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो तलाक लेने के बाद भी दूसरी शादी नहीं करती, बैठी रहती है अपने पहले शौहर की मोहब्बत में। फिर ताशा ये कहानियां बाद में सुनाना, अभी जाओ एक कप चाय लेके आओ मेरे लिए। चाय फौरन याद आ जाती। ये मुझ पर तंस करके गई। खुदा को माने आपा, इसने कब लिया आपका नाम? बात तो मेरी तरफ देख कर कर रही थी। तो आपने छेड़ा उसे, वो तो सुकून से बैठी हुई थी। अरे अब बस भी कर दो, चोचे लड़ाना। पहले मेरे सर में दर्द हो रहा है सईद भाई की बातें सुनकर, और तुम लोग अपनी शुरू कर दो। तो टेंशन वाली क्या बात है, दुनिया की पहली लड़की नहीं है जिसकी तलाक हो रही है, मेरी भी तो हुई थी ना। हाँ, एक तो हर बात में ना तेरा काम जरूर बीच में आता है। नहीं जा रही है उसे। आप दोनों बैठ के ना करें बातें। ये हिना आपा कुछ ज्यादा ही फिजाओं में उड़ने लगी हैं। लगता है इनके पर भी काटने ही पड़ेंगे, तभी सुकून से बैठेंगी और दूसरों को भी बैठने देंगी। हर वक्त तंज करने और दिल जलाने का ठेका ले रखा है इन्होंने तो। इनको भी तो पता चले जरा कि जब दिल दुखता है तो दर्द सबको एक जैसा ही होता है।